दुनिया में बहुत से खेल खेले जाते हैं, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो आप घर में बैठ के खेल सकते हैं, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो आप मैदान में आके ही खेल सकते हैं। तो उसी प्रकार ये एक बास्केटबॉल भी ऐसा गेम है जो आप मैदान में खेल सकते हैं और मैदान के अंदर भी एक ऐसा गेम है, ये इंडोर गेम है एक्चुअल, इसको इंडोर खेला जाता है। और इस गेम की शुरुआत अमेरिका में YMC कॉलेज से शुरू किया गया था। और ये शुरू कैसे हुआ कि सर्दियों में उनको वहाँ के जो एथलीट थे तो उनके लिए ट्रेनिंग की प्रॉब्लम आई, तो YMCA के प्रिंसिपल ने डॉक्टर जेम नेस्मिथ जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे उनसे कहा भी कोई ऐसा गेम इंट्रोड्यूस करिए जो कि सर्दियों में भी हमारे बच्चे एक्टिविटी कर सके। तो डॉक्टर जेम नेस्मिथ ने इस गेम की शुरुआत अमेरिका में 1890 में की थी और उसके बाद धीरे धीरे ये गेम दुनिया में पॉपुलर होता गया और हमारे भारत में भी ये गेम 1920 में आया। सबसे पहले मद्रास में YMCA कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई, वहाँ से कुछ लोग को ट्रेन करके कुछ बता के और हिंदुस्तान के कोने कोने में स्कूलों में कॉलेजों में भेजा गया, तो यहाँ से हिंदुस्तान में तब से ये गेम इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर कॉलेज में, स्कूल में ये गेम खेला जाता है। आज आप जो मॉडर्न जो गेम देख रहे हैं ये बहुत कुछ चेंज हो गया। उस टाइम ये गेम खेला जाता था खाली एक बास्केट और एक बॉल होती थी, तो बास्केट को कुछ हाइट के ऊपर 8 फुट की करीब हाइट पे इसको लगाया जाता था, तो बॉल जब वहाँ उसमें चली जाती थी तो उसको फिर उतार के नीचे लेके आते थे, फिर खेलते थे, फिर ऊपर चली जाती थी, फिर निकालते थे। तो धीरे 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 चेंज हो गए। आज आपके सामने जो ये गेम आप देख रहे हैं ये मॉडरेट हो गए, इसमें बहुत से चेंज आ गए, 5 प्लेयर एक साइड खेलते हैं। एक और चीज़ कहते हैं, जब भी बच्चे इस गेम को अगर खेलना चाहते हैं तो प्रॉपर जो आपके क्वालिफाइड कोचिज हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, प्रशिक्षक हैं, उनके पास जाके इस गेम को शुरू किया जाए, क्योंकि इस गेम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पर्टिकुलर बताया जाता है आपको कैसे वार्म अप होना है, मसल इंजरी हो जाती है और बहुत सी चोट लगने का डर होता है। तो एक अगर आप NIC क्वालिफाइड कोच के पास या प्रशिक्षक के पास जाएंगे तो वो आपको पर्टिकुलर बताएगा इसको कैसे आपने खेलना है, कैसे वार्म अप होना है, कैसे मसल को टोन अप करना है, उसके बाद आप ग्राउंड में जाएंगे, फिर आपको वो सही इसकी जो तकनीक है, जो स्किल है वो बताएंगे, आपने कैसे बॉल को होल्ड करना है, कैसे आपने बॉल को लेकर ड्रिबल करना है, कैसे आपका फुटवर्क है, कैसे स्टांस पोजीशन है आपकी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं यही कहूँगा बच्चों से कि जब भी इसको शुरू किया जाए अच्छे किसी प्रशिक्षक या किसी ट्रेंड के पास से ही इस गेम को शुरू करना चाहिए। बास्केटबॉल जैसे हम प्लेयर को वार्म के लिए करते हैं तो उससे पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मसल को टोन अप करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग जनरल एक्सरसाइज होती है 10 या 15 मिनट, उसको हम खड़े हुए भी करते हैं, कुछ ले डाउन बैठ के भी करते हैं। 10 या 15 मिनट करने के बाद फिर हम जनरल जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए और फ्री हैंड एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर चौड़ा होता है। इसकी जो सेंटर में डी दे रखी है, इधर डी दे रखी है, ये जो पोल है हमारा, ये ग्राउंड से कम 2 मीटर दूर होना चाहिए। 2 मीटर से जितना दूर हो जाएगा उसका कोई नुकसान नहीं है, मिनिमम 2 मीटर को ग्राउंड से दूर होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब भी प्लेयर कोई फास्ट ब्रेक लगाने आता है, फास्ट ब्रेक हमारी एक टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें प्लेयर काफ़ी स्पीड के अंदर होता है, तो स्पीड में होने के कारण वो इस पोल को हिट कर सकता है, तो इसलिए इसकी कम से कम दूरी 2 मीटर कर दी गई हुई है। ये जो हमारा बास्केटबॉल रिंग है ये ग्राउंड से 3.05 मीटर ऊंचा होता है और ये जो रिंग है इसका सर्कमफ्रेंस 45 सेंटीमीटर है और ये जो रिंग लगा हुआ है जिसके अंदर बास्केट डालते हैं इसकी मोटाई 20 mm होती है। हाँ, ये जो बोर्ड है ये फाइबर ग्लास का बना हुआ है, पुराने समय में ये लकड़ी का बोर्ड हुआ करता था, तो जैसे ऐसे
किसी भी गेम का विकास होता है तो उसके जो खेलने के संसाधन हैं वो भी विकसित होते जाते हैं। तो अब ये लोग उनको फाइबर ग्लास का बोर्ड इसलिए बना रखा है कि इसके चारों तरफ ऑडियंस बैठती है, तो जो पीछे से ऑडियंस होती है वो इस तरह का विज़न बड़े आराम से देख सकती है। ये 30 mm इसकी थिकनेस होती है, वैसे बाज़ार में ये 10 mm का भी मिलता है, 20 mm का मिलता है, एप्रोप्रिएट जो सबसे अच्छा माना जाता है वो 30 mm का माना जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.80 meter है और जो ऊंचाई है 1.05 meter होती है। ये जितनी भी ग्राउंड के अंदर रेखाएं लगी हुई हैं, सफ़ेद रेखाएं लगी हुई हैं, बोर्ड के ऊपर लगी हुई हैं, बोर्ड पर मारने वाले निशान पर लगी हुई, रिंग के ऊपर लगी हुई हैं, इन रेखाओं की चौड़ाई 5 centimeter होती है। लेकिन ग्राउंड से जो फ्री थ्रो लेन डी के अंदर आपने देखा एक वाइट लाइन बनी हुई जो गोले को आधा करती है, तो ये ग्राउंड से 580 meter दूर होना चाहिए ताकि प्लेयर आराम से आसानी से वहाँ से बास्केट ले सके। तो डी का व्यास गोलाकार बना हुआ है, इसका अर्ध व्यास 1.80 meter होता है। मध्य रेखा पर जो सर्कल बना हुआ है वो भी इसी तरह होता है, इसका भी अर्ध व्यास 1.80 meter होता है। रिंग के मध्य से एक पॉइंट निकाला जाता है, रिंग के मध्य का पॉइंट, उससे लेके 6.20 meter पे ये एक जो है हाफ सर्कल आप देख रहे हैं वाइट रंग का, ये खींचा जाता है और इसका ये एंड लाइन से दूरी इसकी 1.25 meter होती है और 1 meter ये स्ट्रेट लाइन सीधा होता है, उसके बाद में ये सर्कल में आता है। इसमें ऐसा होता है, ये जो आप लाइन के फ्री थ्रो लाइन के बाहर जो लाइन देख रहे हैं, ये जब फ्री थ्रो प्लेयर अटेम्प्ट लेता है उस टाइम पे यहाँ पे ऑफेंसिव टीम के 2 मेंबर खड़े होते हैं और डिफेंसिव टीम के 3 मेंबर इन जगह पे खड़े होते हैं। जब ये गेम खेलते हैं, जब कोई पेनल्टी मिलती है फ्री थ्रो, तो फ्री थ्रो जब प्लेयर लेता है तो उस टाइम क्या 2 defensive player खड़े होते हैं, 3 offensive player खड़े हैं। ऑफेंस के प्लेयर पहले खड़े होंगे, डिफेंसिव प्लेयर उनके साथ में, जो जैसे आप रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ऑफेंसिव प्लेयर हैं और दूसरे 3 player जो खड़े हैं वो डिफेंसिव प्लेयर हैं और बीच में जो छोटा आप 30 centimeter दिख रहे हैं वो एक न्यूट्रल जोन होता है, वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होगा, एक डिफेंस प्लेयर खड़ा होगा, उसके ऑफेंस प्लेयर खड़ा होगा। ये लेदर बॉलर, इसका साइज है 74.9 से 78 centimeter, वेट इसका 567 ग्राम से और 650 ग्राम वेट होना चाहिए। अगर आपकी बॉल की ग्रिप बढ़िया है तो आपकी बॉल मतलब हाथ से स्लिप नहीं होती, अगर इसकी ग्रिप कमज़ोर है जैसे आप इस पे ये देख रहे हो, ये अगर इसके ख़त्म हो जाते हैं ना उसके बाद ये मतलब बॉल हाथ से ज़्यादा स्लिप करेगी। अगर इसकी ग्रिप अच्छी रहेगी तो ये हाथ में इसकी ग्रिप अच्छी होगी, स्लिप नहीं करती। मिट्टी में बॉल उछलती है, लेकिन अब इसी बॉल को अगर हम मिट्टी में उछाल के देखो आप, ये इसको मिट्टी लगते ये स्लिप करने लग जाएगी। भाई सीमेंटेड ग्राउंड पर पोचा लगा दो, साफ कर दो उसको, मिट्टी नहीं होती, धूल नहीं होती, उस पर इसकी ग्रिप ऐसी की ऐसी रहेगी। ये मिट्टी वाले में क्या होता है, मिट्टी वाले में अगर हमें भागते हैं जैसे ही ग्रिप लगाते हैं वहाँ से ग्राउंड मिट्टी उखड़ जाती है, खड्डा हो जाता है, खड्डे में बाउंस ठीक नहीं जाएगा, अगर बाउंस को हम मारेंगे तो बाउंस इधर जाएगा, मतलब ये जजमेंट नहीं हो पाएगा हमारी बॉल हाथ के नीचे आएगी या वापस नहीं आएगी। बास्केटबॉल के अंदर कई टाइप के फाउल होते हैं, जैसे पर्सनल फाउल है, आपने जनरली थोड़ा इलीगल हाथ यूज़ कर लिया, होल्डिंग कर दिया, कुछ थोड़ा पुश कर दिया, इसको क्या पर्सनल फाउल बोलते हैं। एक टेक्निकल फाउल होता है, तो आप प्लेयर ने किसी ने आपने आपको आपने गाली दे दी किसी को, या जो एक इंटेंशनल फाउल होता है, अनस्पोर्ट्समैनलाइक फाउल, जानबूझ के किसी को फाउल कर दिया प्लेयर ने। एक डिस्क्वालीफाइड फाउल होता है बास्केटबॉल के अंदर, अगर आपने बार बार एक बार प्लेयर को मारा, आपने दूसरी बार फिर इंटेंशनली मारा तो उस प्लेयर को ग्राउंड से बाहर कर देते हैं। तो बास्केटबॉल में कई टाइप के ऐसे फाउल होते हैं, पर्सनल फाउल है, टेक्निकल फाउल है, अनस्पोर्ट्समैनलाइक फाउल है, तो इस टाइप के फाउल होते हैं। इसमें क्या होल्डिंग आ जाती है, पुशिंग आती है, चार्जिंग आ जाती है। ये जो आप ग्राउंड में मैदान में देख रहे हैं, जो कोच साहब, उनको एक स्ट्रेटेजी होती है गेम के अंदर खेलने के लिए, एक पर्टिकुलर इसको बोलते हैं हम बास्केटबॉल में एक मूव है। ये डिफेंस, जब आप इंडिविजुअल डिफेंस टीम खेलती है 1-on-1, तो एक टीम डिफेंस, इसमें बास्केटबॉल में क्या 2 type के डिफेंस होते हैं, जोन डिफेंस होता है और एक मैन टू मैन डिफेंस होता है। तो मैन टू मैन डिफेंस के अगेंस्ट जो टीम खेलती है, तो एक मूव है ये, किस ढंग से आपने कटिंग करना है, कहाँ से आप प्लेयर जाएगा, कहाँ से आप स्क्रीन लेंगे और कहाँ किस पॉइंट पर जाके आप फ्री हो जाएंगे, कैसे आप वहाँ से बॉल रिसीव करेंगे और अटैक करेंगे, पर्टिकुलरली एक मूव होता है। एक सेंटर प्लेयर आप खड़ा देख रहे हैं, ये फील्डर प्ले मेकर होता है, 2 sides में जो खड़े हैं प्लेयर ये आपके शूटर होते हैं, और जो अंदर डी की साइड में जो प्लेयर हाइट आप होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, प्यूट प्लेयर बोलते हैं, वो पर्टिकुलर डी एरिया के आसपास ही खेलते हैं, जिसे आपको दिखाई दे रही है रेड में येलो में दोनों हाइट जो है वो प्यूट प्लेयर हैं, और बाहर जो प्लेयर खड़े हैं दोनों साइडों में विंगर पे 45 पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शूटर होते हैं, और सेंटर में जो प्लेयर खड़ा है ये प्ले मेकर है, ये पूरा गेम यही खिलाता है, किसको कहाँ से पास निकालना है, कैसे पूरा कंट्रोल रखता है ये।
तो अभी उन्होंने आप नीचे कटिंग देखा, वो पिवट टू पिवट कटिंग है, हाई पिवट से लो पिवट को कटिंग किया और उन्होंने स्पिन लेके बाहर प्लेयर फ्री हो जाता है। अब प्यूट ने आगे ऊपर फीडर को स्पिन किया, फीडर नीचे निकल गया और फीडर ने जाके शूटर को स्पिन दिया, शूटर पीछे बैकडोर कटिंग कर रहा है और अगेन फिर उसने वहाँ से प्यूट की स्पिन ली है और वहाँ पे वो प्लेयर फ्री हो गया, उसने फिर वापस प्लेयर सेंटर में निकाल दिया। तो एक पूरा एक सर्कल होता है इसमें निकल के, आप में इसमें कई ऑप्शन आते हैं आपके, प्यूट फ्री हो सकता है, प्यूट फ्री नहीं तो आपका शूटर फ्री हो जाएगा, शूटर ने अगेन आप फिर प्यूट से स्क्रीन लेके फिर आउटसाइड चले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन होते हैं जहाँ जिस ऑप्शन पे प्लेयर फ्री हो गया। पूरी टीम होती है 12 प्लेयर्स की, 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं बाहर बेंच पे, 5 प्लेइंग मेंबर होते हैं, उस 7 को आप जब भी आपको चांस मिलता है चेंज करने का आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये ऑफेंस और डिफेंस टेक्निक है, जिस टीम के पास बॉल पोजेशन होता है वो ऑफेंस में होती है और जिसके पास बॉल पोजेशन नहीं होता वो डिफेंस में होती है। जहाँ डिफेंस नहीं होगा प्लेयर वहाँ जाकर खड़ा होगा और प्लेयर को जहाँ से डिफेंस को ऑफेंस को चांस मिलता है वहीं से बास्केट लेगा। इसमें ना तो फॉरवर्ड है ना कोई वो है, ये अगर जोन साइड खेलते तो उसमें कोई विंग खेलता, कोई गार्ड खेलता, कोई सेंटर, वो जोन की भी वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। आप जोन 1-2-2 का खेलते हैं या 3-2 का खेलते हैं या 2-2-2-3 का खेलते हैं या 2-1-2 का खेलते हैं या 1-1-3 का खेलते हैं, इसमें अलग अलग वेरिएशन है। आप जिस हिसाब से खेलेंगे उसी हिसाब से अपने प्लेयरों को एडजस्ट करें। देखो तो दो तरह से डिफेंस होता है, एक टू मैन डिफेंस, एक जोन डिफेंस। इनमें क्या है, जोन डिफेंस जो है वो बॉल और रिंग के बीच में होता है और मैन टू मैन जो डिफेंस है वो मैन और बॉल के बीच में होता है, प्लेयर और बॉल के बीच में। वो टीम डिसाइड करती है भाई हम मैन टू मैन डिफेंस खेल रहे हैं या जोन डिफेंस खेल रहे हैं। अगर मैन टू मैन खेलेंगे तो अपना अपना मैन डिसाइड करेंगे भाई ये मैन उसी आदमी से डिफेंस करेगा, लेकिन वो टीम की टैक्टिस है वो भाई हेल्प के लिए एक दूसरे की, जिसका डम्मी ऑफेंस है वो दूसरे की हेल्प के लिए आता है। हमारे में दो तरह के ऑफिशियल होते हैं, एक तो फील्ड ऑफिशियल जो रेफरी और एम्पायर होते हैं, दूसरे टेबल ऑफिशियल होते हैं जहाँ ये स्कोर टाइम कीपर ये जो बैठते हैं, वो बैठने के लिए उनकी बेंच लगाने के लिए टीम बेंच एरिया बोलते हैं, वो टीम बेंच एरिया इसे साइड में ही लगता है, साइड में उनका बेंच होता है जहाँ प्लेयर कोच जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं वो बैठते हैं और कोच बैठता है, डॉक्टर असिस्टेंट कोच ये मैनेजर ये सब जो बैठते हैं ना इनके लिए ये एरिया होता है। एक रेफरी और एक अंपायर, दो ही होते हैं बस, उसमें रेफरी सुप्रीम पावर होता है, वहाँ भी रहो यहाँ भी, टेबल ऑफिशियल में और फील्ड ऑफिशियल में रेफरी पावर होती है। अगर कोई इस बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, गलती होती है, करेक्टेबल एरर का मतलब राइट उसको है रेफरी को, एम्पायर को नहीं। ये 20-10-20 का गेम है, 20 मिनट फिर 10 मिनट का रेस्ट फिर 20। और पहले जो हाफ में जिसमें जिस तरफ जो टीम शूटिंग कर रही है तो 20 मिनट के बाद जो हाफ होगा उसके बाद रिंग चेंज कर दिया जाता है, वो टीम दूसरे में स्कोर करेगी, दूसरी टीम दूसरे में। बास्केटबॉल रूल्स जो है ना उनका अगर उल्लंघन करते हैं ना तो फाउल है, ठीक है ना। उसमें फिर कुछ फाउल ऐसे हैं जिनकी पेनल्टी होती है, कुछ फाउल ऐसे हैं जिसमें मतलब पेनल्टी सिर्फ थ्रो ही उनकी दी जाती है। जैसे हम फाउल करते हैं, फाउल की हमारी पेनल्टी है, जैसे जिस तरह का भी फाउल करते हैं हम, पर्सनल फाउल करते हैं तो फाउल प्लेयर के काउंट में लिखा जाएगा, प्लेयर के नाम से पर्सनल फाउल। जो भी बॉल जैसे चलती है कोई भी प्लेयर थोड़ा पुश कर देता है या मतलब थोड़ा बहुत उसको टच कर देता है, वो किस सिचुएशन में है, ड्रिबलिंग कर रहा है, उसको थोड़ा हार पुश हो गया बाय चांस, तो वो पर्सनल फाउल है। तो पर्सनल फाउल का उसके अकाउंट में एक फाउल हो गया उसका, क्योंकि एक प्लेयर के पास 5 ही फाउल होते हैं सिर्फ। अगर जिस प्लेयर के 5 फाउल हो गए ना, 5 फाउल के बाद वो प्लेयर अंदर नहीं आ सकता, वो खेल नहीं सकता उस मैच में, तो उसका लॉस फिर उसको वहाँ जाता है और दूसरी टीम को बॉल पोजीशन मिलता है। पर्सनल फाउल है, टेक्निकल फाउल है, डबल फाउल है, और ये पहले तो इसको इंटेंशनल बोलते थे, अब उसको अनस्पोर्ट्समैन लाइक फाउल बोलते हैं। ये होता है जैसे जानबूझ के मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ खेलते टाइम, या जानबूझ के मैंने उसको धक्का दे दिया, उसको पहले तो इंटेंशनल फाउल बोलते थे, अब उसको उसका नाम चेंज करके अनस्पोर्ट्समैन लाइक फाउल कर दिया। तो इसकी पेनल्टी कुछ अलग से होती है, जैसे पर्सनल फाउल में तो फाउल काउंट होता, इसमें क्या होगा, फाउल काउंट होगा, 2 फ्री शॉट होंगे
और बॉल पोजीशन भी उन्हीं का होगा। डबल फाउल ये होता है, जैसे मेरे पास बॉल है, जिस बाद लड़के के पास बॉल है, जो बॉल पोजीशन जिसका है उसको अगर कोई फाउल मारता है, वो भी उसी एक ही टाइम में दोनों प्लेयर आपस में दोनों फाउल कर देते हैं। जैसे उसने मेरे को मारा, मैंने उसको मार दिया। जो प्लेयर इंजर्ड करने के उससे मारता है, जैसे दूसरे प्लेयर को घूसा मार दिया या और तरह से ये लात मार दी, तो जो रेफरी को ये जजमेंट हो गया ये प्लेयर को इंजर्ड करना चाह रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाई फाउल, उसमें प्लेयर को बाहर बिठा दिया जाता है, वो प्लेयर अंदर नहीं आएगा फिर। जैसे हम बॉल लेके अपने ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में 3 सेकंड से ज़्यादा अगर बॉल लेके खड़े हो जाते हैं तो वो 3 सेकंड वायलेशन है, फाउल नहीं है वो, उसकी कोई पेनल्टी नहीं। सिर्फ ये है हमारी बॉल पोजीशन लूज होता है। अभी ये बास्केटबॉल का खेल शुरू होने जा रहा है, तो रेफरी गोल सेंटर के गोले के अंदर गेम जंप कराता है और ऑफेंस वाली टीम इस तरफ बास्केट करने आ रही है। तो ऑफेंस वाली टीम ने एक बास्केट ले लिया है और इस बास्केट के 2 पॉइंट होते हैं। अब जो दूसरी टीम डिफेंस वाली थी वो ऑफेंस बन गई है, और ऑफेंस वाली टीम थी वो डिफेंस बन गई है, तो वो ये दूसरी तरफ बास्केट करने जा रहे हैं। तो ये ड्रिबल करके अंदर जाने की कोशिश की है, उसको बाहर पास दी है, उन्होंने बाहर से सेट छोड़ लिया जो नहीं लगी, तो उधर रेफरी ने एक डिफेंस वाले प्लेयर का फॉल बजा दिया है, उसका यूज़ ऑफ नॉन कंटेक्ट ऑफ हाथ हो गया, तो साइड थ्रो दिया गया है। गेम फिर दोबारा शुरू हो गया, बॉल घूम रही है, आउट ऑफ बाउंड गेम चल रही है, 3 पॉइंट के बाद बॉल घूम रहा है। अब बॉल पास उन्होंने अंदर दे दिया है, फिर उन्होंने अंदर पास दिया, बॉल उनके हाथ से लग के बाहर चली गई, और अब रेफरी साहिबान दूसरी टीम को बॉल पोजीशन देंगे और वो गेम को दोबारा शुरू करेंगे। अब उन्होंने गेम शुरू कर दी है, वो अगले कोर्ट में आ गए हैं, वहाँ पे बास्केट करने की कोशिश करेंगे। पास देने की कोशिश की, पास इंटरसेप्ट हो गया। अब दूसरी टीम बॉल लेके तेज़ी से अंदर जा रही है, उन्होंने अपने खिलाड़ी को पास दिया डी के अंदर, वो डी से बॉल लेके बाहर आ गए हैं। तो डी के अंदर अगर खड़ा आदमी 3 सेकंड रहे तो 3 सेकंड वायलेशन हो जाता है। तो अब वो ड्रिबल कर रहे हैं अपने साथी की तलाश, जहाँ पे अच्छा पास दे सके, तो उन्होंने साइड वाले को पास दिया, उन्होंने कोशिश की अंदर जाने की, और वहाँ से उन्होंने शार्ट ली, लेकिन शार्ट नहीं लगी, डिफेंस वालों ने रिबाउंड ले लिया और अटैक के लिए वो आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने प्लेयर को वहाँ साइड लाइन में पास दिया, बॉल बाहर ग्राउंड से बाहर चली गई और रेफरी ने विसल दी, दूसरी टीम बॉल को पोजीशन ले ली। अब उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, अटैक करने जा रहे हो, फ्रंट कोर्ट में आ गए, फ्रंट कोर्ट में अटैक करने के लिए डबल करके अपने साथी को पास दिया, फिर दोबारा उन्होंने पिवट वाले को पास दिया, पिवट वाला बाहर निकल आया, उसी जगह पर दूसरा खिलाड़ी आ गया, उन्होंने उनका बॉल इंटरसेप्ट कर दिया और दूसरी टीम ने अटैक किया, फास्ट ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन डिफेंस वालों ने फॉल मार दिया, इसे ब्लॉकिंग कहते हैं, साइड थ्रो, और उनको साइड थ्रो दिया गया। उसी तरह उनका खिलाड़ी अंदर था, उन्होंने पास दिया और दूसरे खिलाड़ी ने फिर फॉल मार दिया, तो उसके लिए एक्शन शूटिंग एक्शन में जब फॉल लगता है किसी ऑफेंसिव खिलाड़ी को तो उसको 2 फ्री थ्रो दी जाती है। तो 2 फ्री थ्रो के अंदर 3 ऑफेंस के 3 डिफेंस के खिलाड़ी खड़े होते हैं और बाकी 3 लेन से बाहर होते हैं। पहला बास्केट लगाया, थ्रो किया, नहीं लगा, इसके बाद एक थ्रो और दिया जाएगा। अब उन्होंने थ्रो दे दिया और बास्केट हो गया, इस बास्केट का 1 पॉइंट होगा। दोबारा अटैक शुरू हो गया है, बॉल फ्रंट कोर्ट में चली गई है, तो अपने वो साथी को तलाश कर रहे, ड्रिबल करते हुए अंदर जाने की कोशिश की है और वहाँ से उन्होंने बास्केट ली, लेकिन रेफरी साहबान ने उनकी ट्रैवलिंग दे दी। खिलाड़ी बॉल लेकर 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं ले सकता, उसको हम ट्रैवलिंग बोलते हैं, तो रेफरी साहब ने उसकी ट्रैवलिंग दे दी। इसी तरह अटैक फिर शुरू हो गया, फ्रंट कोर्ट में ग्राउंड आ गया, बॉल आ गया, तो बाहर से उन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, ये 3 पॉइंट होता है। अगर यहाँ से लग जाती है, फिर दोबारा टीम अटैक किया, वो उन्होंने फास्ट ब्रेक लिया है, अपने साथी को पीछे पास दिया, वो भी बास्केट मिस हो गया, डिफेंस वालों ने बॉल पकड़ लिया है, अटैक कर दिया, ऑफेंस प्लेयर बन गए, वो भी अटैक करते फास्ट ब्रेक लगाने की कोशिश की और उनके फील्ड गोल के 2 पॉइंट हो गए। दूसरी तरफ से टीम ने फिर अटैक शुरू कर दिया, अभी वो अपने रियर कोर्ट से ये आगे कोर्ट में जाएंगे। रूल के मुताबिक 10 सेकंड के अंदर एक खिलाड़ी को, एक टीम को अपना रियर कोर्ट क्रॉस करना होता है। पिवट वाले को पास दिया, बास्केट लगाने की कोशिश की, बास्केट नहीं लगी, तो बॉल फिर डिफेंस ने ऑफेंस को अटैक कर दिया, फास्ट ब्रेक लिए अंदर गए और बास्केट, बहुत अच्छा गोल किया इन्होंने, बहुत अच्छी बास्केट थी ये, इसे हम फास्ट ब्रेक कहते हैं। डिफेंस ने ऑफेंस बन के फिर अटैक शुरू कर दिया, अब वो फ्रंट कोर्ट में चले गए,
बॉल ड्रिबल करते हुए अपने साथी की तलाश है, अच्छा पास देने की कोशिश कर रहे, पास दे दिया, वो दोबारा फिर आगे पास देने की कोशिश की, डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया, वही खिलाड़ी अंदर गया, फास्ट ब्रेक ले ली, ये बास्केट हो गया, इसके दो पॉइंट होते हैं। दूसरी टीम ने फिर अटैक शुरू कर दिया, अंदर पास दिया, पास अच्छी तरह पकड़ा नहीं गया, अर्ली जंप था ये, और दूसरी टीम ने अटैक शुरू कर दिया, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने बॉल इंटरसेप्ट कर लिया और पास दिया अपने खिलाड़ी को, और रेफरी साहब ने 3 सेकंड दे दिए। जैसे मैंने पीछे बताया था, ऑफेंस करते समय कोई भी खिलाड़ी डी के अंदर 3 सेकंड से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, तो उनका खिलाड़ी 3 सेकंड से ज़्यादा खड़ा था डी के अंदर, रेफरी साहब ने 3 सेकंड दे दिए। अब ये ऑफेंस का अटैक कर रहे हैं, पिवट वाले को पास दिया है, उन्हें डी के अंदर पास दे दिया, बाहर बॉल निकला है, डी के बाहर बॉल घूम रहा है, और फिर उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, इंटरसेप्ट करके अटैक के लिए आगे बढ़ी है टीम, लेकिन बॉल आउट ऑफ बाउंड हो गया है, दूसरी टीम को बॉल पोजीशन दे दिया जाएगा। अब दूसरी टीम अटैक करने फ्रंट कोर्ट पे आ गई है, डी से बाहर उन्होंने पास दे दिया है, अटैक करने अंदर पेनिट्रेशन करने की कोशिश की है, लेकिन 8 नंबर ब्लू वाले का रेफरी ने ब्लॉकिंग फॉल दिया है और दूसरी टीम को बॉल पोजीशन दे दिया गया, बॉल आउट ऑफ बाउंड थ्रो इन हो गया है, बॉल अंदर पिवट वाले को दी गई है, पिवट ने बहुत अच्छी डंक शॉट मारी, ये बहुत अच्छी शॉट थी, इसे हम डंक शॉट कहते हैं, पॉइंट इसके 2 मिलते हैं, लेकिन ये बास्केटबॉल के अंदर बहुत ही अच्छी किस्म की एक स्किल मानी जाती है कि जो खिलाड़ी डंक शॉट मारता है उसकी स्किल बहुत बढ़िया होती है। तो ये ऑफेंस अंदर जाने की कोशिश की है, बॉल इंटरसेप्ट हो चुका था, उन्होंने फॉल मार दिया है, एक्शन में फॉल जब भी लगता है बास्केटबॉल के अंदर तो उन टीम को 2 शॉट मिलती है, लेकिन ये बास्केट काउंट हो गई है, रेफरी 2 पॉइंट दे दिए, लेकिन एक बास्केट फ्री थ्रो और मिलेगा, अगर ये अटेम्प्ट करते तो उनको 3 पॉइंट हो जाएंगे इनके, लेकिन उन्होंने एक अटेम्प्ट मिस कर दिया है, इनके काउंटर में 2 पॉइंट ही दिए जाएंगे। उधर से फास्ट ब्रेक लगा दिया है, बॉल आउट ऑफ बाउंड हो गया, अटैक फिर शुरू हो गया है, बॉल रियर से फ्रंट कोर्ट चली गई है, फिर वो डी के अंदर पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, बॉल को डी से बाहर निकाल दिया, बॉल आगे डी को पिवट को दिया, पिवट ने बास्केट ली है, ये बास्केट हो गया, इसके 2 पॉइंट हो गए, दोबारा गेम फिर शुरू हो गया है, आउट ऑफ बाउंड थ्रो हो गया है, तो ये पास लेके आ गए, ड्रिबल करते हुए आ गए, पास दिए अपने साथी को, डी के बाहर घूमते हुए 3 लेन से बाहर घूमते हुए अपने साथी को पास देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अच्छा पास मिल सके, फिर उन्होंने अंदर पास दिया है और उनका ब्लू वाले का 8 नंबर का फॉल हो गया है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और रेफरी साहब ने उन्हें 2 फ्री थ्रो दे दिए। पहला अटैम्प्ट लिया जा रहा है, उन्होंने बॉल अपने हाथ से छोड़ा, इसका बॉल इन हो गया है, इसका 1 पॉइंट भी मिला गया, उसके बाद 1 फ्री थ्रो दिया जाएगा, वो भी उन्होंने थ्रो किया, वो भी इन हो गया, तो इनको इस तरह फील्ड गोल की तरह इनको 2 फ्री पॉइंट मिल गए, जो उनके अकाउंट में, इनकी टीम के अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे। अब इसी तरह गेम फिर दोबारा शुरू हो गया है, बॉल फ्रंट कोर्ट में ले जाई गई है, बॉल घुमाया जा रहा है डी से बाहर, पास देने की कोशिश की इनसाइड को, लेकिन बॉल आउट ऑफ बाउंड चला गया। अभी रेफरी को साहबान ने जो अच्छे खिलाड़ी थे बाहर बैठे हुए उनको अंदर भेजने की कोशिश की है, अच्छे खिलाड़ी अंदर आए, इनको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, एक टीम के अंदर 12 प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर अंदर खेलते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता उसको बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर वाला खिलाड़ी फ्रेश होता है, तो ये बड़ी फास्ट गेम है, इसमें बड़ा स्टेमिना चाहिए, तो उस खिलाड़ी को अंदर डाल दिया जाता है, और इन्होंने फिर दोबारा डंक शॉट मारी है जो बहुत अच्छी शॉट है, तो इस तरह ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है, दूसरी टीम के पॉइंट कम है, ये 20-20 के 2 इसके हाफ होते हैं, जो गो एंड स्टॉप वॉच होती है, जैसे ही रेफरी साहबान विसल बजा देते हैं तो वॉच को उसी जगह बंद कर दिया जाता है, जब बॉल फिर इन होता है तो घड़ी फिर दोबारा शुरू होती है, तो इसी तरह जो हाँ उन्होंने फॉल मारा है साइड थ्रो, तो रेफरी साहब ने साइड थ्रो दिया है, तो एक 20 मिनट का गेम, एक बार फिर उन्होंने फॉल मार दिया दूसरी डिफेंस की टीम ने, तो रेफरी साहब ने 2 फ्री शॉट दे दी है। तो जब दूसरे हाफ के बाद दोनों टीम के इक्वल पॉइंट होते हैं तो उसके बाद 2 मिनट की ब्रेक देके दोबारा गेम फिर 5 मिनट के लिए शुरू की जाती है, अगर उसमें भी सेटल नहीं होता उसके बाद फिर 2 मिनट का ब्रेक देके दोबारा फिर 5 मिनट की शुरू की जाती है, और उसमें भी नहीं होता तो आखिर में ये फ्री थ्रो पे बॉल डिसाइड की जाती है।
जब भी ये गेम बच्चे खेलना स्टार्ट करें तो आप किसी अपने गुरु के पास जा सकते हैं, प्रशिक्षक जो अच्छे ट्रेंड होते हैं उन्हीं से शुरू करो, उनके पास जाके इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वो जो ट्रेंड हैं वही लोग बता सकते हैं, आपने कैसे वार्म अप होना है, कैसे आपने बॉल पकड़ना है, कैसे आपके फंडामेंटल इस बास्केटबॉल के अंदर जो होते हैं, जैसे आपकी ड्रिबलिंग कैसे करनी है, शूटिंग कैसे करेंगे, बॉडी की पोजिशन क्या होगी आपकी, आपके हाथ की पोजिशन क्या है, कैसे आपने जंप करना है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये गेम ऐसा है